हेलो गाइस, मैं हूं नीलू और मेरे चैनल निशु ऑलवेज खुश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए पीनट गुड़ लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूं, और जो कि बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पीनट गुड़ लड्डू बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर पीनट को रोस्ट कर लिया है और ये 1 कप है, और यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ ले लिया है, और यहाँ पे 2-3 स्पून घी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कढ़ाई को गैस पे रख के गरम करेंगे, और देखिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, पिघल कर ये 3 चम्मच हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम गुड़ को डाल देंगे और धीमी आँच पर इसको पकाएँगे, चलाते हुए हमें लगातार इसे पकाना है। तो ये देखिए गुड़ जो है लगभग हमारा पक गया है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर कटोरी में पानी ले लेंगे और उसमें 1 ड्रॉप गुड़ को डालकर थोड़ी देर छोड़ देंगे। फिर गुड़ इस तरह से हाथ में लेने पे बन जाए, इस तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और मूंगफली हम डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गुड़ जो है मूँगफली के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसके बाद हम एक प्लेट ले लेंगे, और प्लेट को देखिए मैंने घी से पूरा लगा दिया है इसको प्लेट में, और यहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बस इतना, ताकि हम हाथ में जब इसको ले तो हमारे हाथ जले ना। और इसको जब हम लड्डू बनाएंगे तो हम घी या तेल नहीं अपने हाथों पर लगाएंगे, हम पानी लगाएंगे। नहीं तो उससे क्या होगा, अगर हम घी और ऑयल लगाएंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से ये बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, आप चाहे तो इसकी चिक्की भी बना सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से लड्डू बना लिए सारे के सारे। देखिए हमारे लड्डू जो है वो बनके रेडी हो चुके हैं गाइस। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए जाड़े में और मकर संक्रांति के अवसर पे। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो। तो इसे ज़रूर अपने घर में बनाइए, खाइए और इसका एंजॉय लीजिए। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक मी एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई न्यू वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।